सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह है। हर कोई भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस माह विशेष पूजा और आराधना भी करते हैं। दोस्तों, इस माह भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर आते हैं, ऐसी मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार यदि श्रावण मास में आपको ऐसे कुछ विशेष संकेत मिलते हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप पर भगवान शिव की विशेष कृपा हो रही है। आज हम आपको ऐसे कुछ संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका सावन माह में मिलना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, तो आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुँच सके। दोस्तों, हमारे स्वप्न शास्त्र के अनुसार सावन के खास महीने में अगर आप सपने में मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ते हुए देखते हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। इसके अलावा सपने में यदि शिव मंदिर, शिवलिंग या शिवालय दिखे तो ये और भी अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होने वाली है। यदि इस सावन माह में किसी भी व्यक्ति को सपने में भगवान शिव के दर्शन होते हैं तो ये संकेत बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। वहीं अगर भगवान शिव माता पार्वती के साथ आपको सपने में दिखाई दे तो स्वप्न शास्त्र हमारा कहता है कि आप पर बहुत ही जल्द भगवान शिव की विशेष कृपा मिलने वाली है। यह आपके कोई भी विशेष इच्छा को पूरी होने का संकेत माना जाता है। भगवान शिव को नंदी बेहद ही प्रिय हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में गाय या नंदी गण अर्थात बैल का दिखना भी बहुत शुभ होता है। विशेषकर सावन सोमवार के दिन अगर आपको सुबह सुबह गाय या नंदी के दर्शन हो जाए या फिर वे आपके द्वार पर आ जाएं तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत होता है, जिसका अर्थ होता है कि जल्द ही आपके घर में सुख और समृद्धि आने वाली है। सावन के पवित्र महीने में काले नाग के दर्शन होना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि इस महीने में आपको काले नाग का दर्शन हो जाए तो समझिए कि जल्द ही आपके लिए उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं। आप पर महादेव की कृपा तो बरसने ही वाली है। हमारा स्वप्न शास्त्र कहता है कि सपने में यदि आप खुद को नदी या समुद्र में तैरते हुए देखते हैं तो इसे भी अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपको जीवन में किसी भी कार्य में सफलता मिलने वाली है। आपके जीवन में अगर कोई भी मुश्किल हो तो आप उस मुश्किल या उस बाधा को पार करने वाले हैं। ये सपना किसी भी समस्या से आपको मुक्ति मिलने का संकेत होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही अधिक पसंद आई होंगी, और यदि जानकारी पसंद आई हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी और अद्भुत जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।